भी नौकरी मिलती है ना, करो, कर लो 5,000 की भी, आज 5 की मिल रही है, कल को 10 की मिलेगी, 15 की मिलेगी परसों को, तो डू समथिंग, एफोर्ड तो एक ही फैंटेसी दिमाग में चल रही है, पॉर्न, सेक्स, लड़कियां। भाई विनु पधारी, तो सो रिलेशनशिप सीरीज का आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड स्पेशली अगर आप लड़के हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो, क्योंकि यार ये बातें ना आपके कोई पेरेंट्स आपसे नहीं करेंगे ना बताएंगे, राइट? तो दोस्तों इट विल बी द टू वे डिस्कशन, कोई लेक्चर देके मैं नहीं जा रही हूँ, टू वे डिस्कशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे जो भी कमेंट सेक्शन में वीडियो के रिगार्डिंग पूछेंगे, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज, ठीक है? एंड अगर आप लड़की भी हो तो भी मैनो तुम्हें ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, वीडियो में आप लोग भी लास्ट तक बने रहना, हर पेरेंट्स को ये वीडियो बिठा कर स्पेशली अपने बच्चों को दिखाना है, राइट? तो दोस्तों बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर या बीइंग अ गर्ल, मेरे पास दो तरह के लोगों के मैसेजेस आते हैं, राइट? एक वैरायटी मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगी, पहले एक वैरायटी बताती हूँ। और एक लड़के का परसों मुझे मैसेज आया एंड ही सेड कि मैम मैं 23 साल का हूँ, मेरा 2 साल से लड़की के साथ अफेयर था, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, एंड घर वाले को मैंने मनाने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं माने। मैंने कहा भाई क्या कहानी हुई कि लड़की अब तुमसे शादी नहीं कर रही है 2 साल का रिलेशनशिप होने के बाद भी? क्या मतलब, कुछ तो कह रही हुई, कास्ट इशू है, सबके अपने अपने इशूज हो सकते हैं, राइट? तो क्या कहानी है? उसने कहा कि मैम लड़की बोल रही है कि तुम कुछ करते तो हो नहीं, मेरे घर वाले कह रहे हैं, तो अब मैं मतलब क्या करूं, मैं क्या बोल के तुमसे शादी करूं, तो यही मैम एक रीजन है कि मैं कुछ करता नहीं हूं। तो भाई एक्चुअली में बहुत सारे लड़कों को हो सकता है ये बात चुभे, पर मैं ये बोल रही हूं कि भाई तुम लोगों की मार्केट वैल्यू क्या है, क्या है तुम लोगों की मार्केट वैल्यू? When you fall in love, जब आप लोग प्यार करते हो, आप लोग किसी के साथ कमिट होते हो, आपके साथ सपने देखते हो कि वो बंदी आपसे शादी करेगी, एंड भाई नहीं करती है, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग शी इज नॉट गोइंग टू मैरी विद यू, कल को क्या बोलेगी वो अपने पेरेंट्स को, या 4 लोगों के साथ अगर वो बाहर जा रही है कोई पूछेगा तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, तो भाई उसकी तो शर्म से आंखें नीचे झुक जाएंगी, है ना? एंड फिर तरह तरह की यार बातें लड़के करते हैं, कहते हैं प्यार तो हो जाता है, एंड हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, भले हमारे पास पैसे नहीं है पर हम उन्हें पूरा पूरा प्यार देंगे। तो भाई जब ना शादी हो जाती है ना और आप कुछ नहीं कर रहे हो, और मॉल में जाके आपकी जो वाइफ है वो 2,000 रुपये की लिपस्टिक उठाती है, तो आप साइड से कट लेते हो, ठीक है? एंड इट इज द ब्लडी रियलिटी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है यार, मनी इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। एंड तुम क्या किसी का बुरा या अच्छे के बारे में सोच रहे हो? भाई तुम खुद का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम खुद की जिंदगी तबाह कर चुके हो, तुमने खुद के लिए बुरा कर दिया है, तुम खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो, एक तो तुमने कुछ किया नहीं, ऊपर से तुम अपने सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हो, राइट? मतलब यार चाहते क्या हो जिंदगी में? क्या लड़की सब कुछ है, प्यारी सब कुछ है? भाई करियर कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है? 23 साल में एक लड़के को क्या करना चाहिए? भाई यू विल नॉट बिलीव, मैंने ऐसे ऐसे निठल्ले लड़कों को देखा है जो 30, 32, 33 साल की उम्र में भी बेड पे लेटे रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, दुनिया भर की मतलब बातें छुगवा लो उनसे, एंड जो कुछ नहीं करते हैं अपने माँ बाप की धन दौलत पर, कई बार पेरेंट्स रिच होते हैं, बच्चों को पढ़ा दिखा देते हैं, अच्छी खासी सोसाइटी में वो लोग रह रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे हम तो राजा साहब हैं, हम क्यों कुछ करेंगे। तो भाई ये वाली वैरायटी के भी लड़के हैं। तो मुझे एक बात का आप लोग जवाब दो, क्या कोई किसान ऐसा है जो बंजर जमीन को खरीदेगा? कोई किसान ऐसा है जो बंजर जमीन पर रिस्क लेगा, उसको खरीदेगा? बंजर कोई नहीं करेगा ना, है ना? तो भाई तुम्हें, तुम्हारी सेल्फ स्टीम कहाँ है, तुम्हारी डिग्निटी कहाँ है, तुम्हारे खुद के लाइफ के रिलेशनशिप, तुम्हारे खुद के लाइफ के डिसीजंस तुम्हारे खुद के लिए सही नहीं है, तुम किसी और की क्या जिम्मेदारी लोगे? लाइफ के डिसीजंस क्या है, क्या है लाइफ? अगर मैं पूछूं व्हाट इज लाइफ फॉर यू, जस्ट लाइंग डाउन ऑन द बेड ब्लडी एंड यू पीपल जस्ट थिंक के कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई जमीन में से कुछ खोदेगा और हमें धन दौलत मिल जाएगी, और बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी बेच बेच के अपना जीवन चलाते रहते हैं, जो मिला फिर वो दारू पी ली उनसे। मतलब रात दिन लड़कों का इस समय बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर, लिटरली पेरेंट्स रोते हुए भी मुझसे बात करते हैं, वो बोलते हैं उनका बच्चा कुछ नहीं करता है, बहुत से बच्चे पढ़ते भी नहीं है, बहुत से कुछ करते नहीं है, कुछ करने की एज में बस रात दिन बेड पर लेटे हुए हैं, एक ही फैंटेसी दिमाग में चल रही है, पॉर्न, सेक्स, लड़कियां। तो यार ये जो फैंटेसी तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, ये कहाँ से आई? क्या वो एक्चुअल में प्यार है? मतलब तुमको क्या लगता है कि जिस
जिस चीज को आप प्यार सोच रहे हो, क्या वो लव है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? तुम लोग बॉलीवुड मूवीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। बॉलीवुड मूवीज में क्या देखते हो कि हाँ भाई एक बहुत अच्छी घर की लड़की है एंड एक ऐसे ही बस नाकारा सा लड़का है, वो यारों के साथ घुमा, उसने लड़की को देखा, लड़की फंस गई, उसके बाद वो घर वालों से लड़ा और शादी हो गई उनकी और फिर तुम लोगों ने तालियां बजा ली, है ना। मतलब बॉलीवुड मूवीज को जिसको देखकर तुम लोग इंस्पायर हो रहे हो, जिसने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज भरी है, गंद, कीचड़ भर दिया है एक्चुअली में बॉलीवुड ने, सिर्फ प्यार 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 प्यार। अबे कुछ तो दिखाओ। कोई बॉलीवुड मूवी में मैं ऐसा नहीं देखती हाँ भाई लड़के ने बड़ी मेहनत करी, प्यार प्यूर सब त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आईएएस बन गया, फलाना बन गया, ढंग का एक ढंग की पिक्चर का आप लोग मुझे नाम बता दो। मतलब ठीक है बॉलीवुड मूवीज में सिर्फ ये दिखा रहे हैं लड़का प्यार के पीछे पागल है, लड़का लड़की के पीछे पागल है, फिर तुम्हारे दिमाग में हार्मोन्स जो है वो लौचा करने लगते हैं यार, फिर तुम लोगों को बस वही चाहिए होता है, गुलाब के फूल मिलते हैं वहां पिक्चरों में, और तुम लोगों के दिमाग में फिर सेक्स सूझता है, पॉर्न देखते हो, तुम लोग अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हो, शरीर गंद बने हुए तुम लोगों के, लिटरली गंद बने हुए शरीर। अगर मैं अभी बताऊंगी तो सोशल मीडिया के मैसेजेस की बात करूंगी अभी क्या आते हैं, तो बॉडी की शक्ति तो खत्म हो गई। 25 साल तक कहा गया कि एटलीस्ट ब्रह्मचार्य का लड़कों को पालन करना चाहिए, 25 साल, 15 साल तक भी किया है तुम लोगों ने। एंड चलो यार ये तो अलग किस्सा है, ब्रह्मचार्य लाना फलाना, कोई ऐसा कोई भाषण नहीं दे रही, पर भाई मैं ये बोल रही हूँ क्या तुम्हें अपनी जिंदगी गड्ढे में डालनी है और अपने साथ साथ दूसरे की भी जिंदगी गड्ढे में डालनी है? बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़की मना कर देती है, उसको बोलते हैं तू मेरी थी, तू मेरी है, तू मेरी रहेगी, और बस उसकी जिंदगी झंड करने में लग जाते हैं। अबे तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया, अपने लिए क्या किया? ना तुम पढ़े, माना माँ बाप ने पढ़ा दिया, फिर तुम कुछ करोगे नहीं। मैं ये कह रही हूँ बहुत सारे लड़के जो बोलते हैं हम तो राजा साहब हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमको ये काम शोभन देता, हम फलाने घर से हैं, हम फलानी जाति से हैं, मैं कहती हूँ ना अगर कहीं पोचा लगाने की नौकरी मिलती है ना भाई कर लो, ठीक है कुछ तो करोगे, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो अपने माँ बाप का बोझ हल्का करोगे। एंड वो जो तुम्हें रोटी मिल रही है ना वो खैरात, कृपांक कहते हैं, कृपा के द्वारा जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मुँह पे फेंक रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी अपनी डिग्निटी कहाँ है भाई? कोई भी इंसान डिग्निटी वाला ना वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी झंड नहीं करेगा, वो एक्चुअली में कर्म करेगा। अब लड़के बोलते हैं कि भाई हमें मिलती नहीं नौकरी, हम क्या करें, हमें नहीं मिलती, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसा बिजनेस में। भाई किसने कहा तुम ये बड़े बड़े ऐसे ऐसे सपने देखो, तुम छोटा तो कुछ कर नहीं रहे, तुम सपने देखते हो मुंगेरी लाल के हसीन है, कुछ छोटा कर लो ना। आई एम सेइंग यार कहीं तुम्हारी साइड से आई एम सेइंग यार कहीं बर्तन मारने की नौकरी मिल रही है ना, डू दैट, यू विल नॉट बिलीव यार, बराक ओबामा की बेटी मैकडोनल्ड्स में काम कर रही है, वहाँ बर्तन उठा रही है, वहाँ पे वाइप कर रही है, तो यार बराक ओबामा की लड़की कर रही है, तुम क्या हो? रद्दी बेच लो यार, कितने काम है, चाय बना लो, रद्दी बेच लो, साफ सफाई कर लो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ भी कर लो यार, किसी के ऑफिस की साफ सफाई कर लो, किसी को पानी पकड़ाने का काम कर लो, कुछ पानी बेच लो, दुनिया भर के काम है। इफ यू वॉन्ट टू डू, इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग यू विल डेफिनेटली डू दैट, एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग ब्लडी आपका बाप अगर राष्ट्रपति भी हो ना तो तुम लोग उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओगे, उसकी प्रॉपर्टी की धज्जियां उड़ाओगे। तो भाई ये जो प्यार का जो नशा तुम पे चढ़ा है ना, मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट लव, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट कपल्स, आई डू रिस्पेक्ट द पीपल दोज हु एक्चुअली जेन्युइनली लव, जो अपनी जिंदगी में पहले खुद से प्यार करते हैं, अपने काम से, अपने परिवार से, अपनी डिग्निटी से, अपने रिस्पेक्ट से प्यार करते हैं, फिर अपनी जिंदगी में एक ढंग का इंसान देखकर दे यूज टू सर्च देयर पार्टनर बाय देमसेल्फ, फिर वो रिलेशनशिप में आते हैं एक मैच्योर एज में। क्या तुम इतने मैच्योर हो? तुम तो इतने भी मैच्योर हो जो अपनी लाइफ के डिसीजन ठीक से ले सको? सोशल मीडिया पे इतना गंद लड़कों ने मचा रखा है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हर लड़की को देखकर उनके दिमाग में वो ही ख्याल आते हैं कि बस ये मेरी गर्लफ्रेंड, अभी एक ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे को सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मुझे लगता है सेम मैसेज हर लड़की को, यार आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर पिक इज सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, लिटरली लिखना नहीं आता है। फ्रेंडशिप को लिखेंगे फ्रेंडशिप, विल यू डू फ्रेंडशिप विद मी, मैम को लिखेंगे मीम, ब्यूटीफुल को पता नहीं क्या धज्जिया इन्होंने उड़ा रखे हैं, हिंदी भी लिखनी नहीं आती होगी इनको, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, और इनको फ्रेंडशिप करनी है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल परसों, मुझे याद है लास्ट वाली वीडियो पे मैंने एक पिक्चर डाली थी, वहां पे लिखा हुआ था आई फील लाइक सेइंग दैट आई लव यू नॉट लव यू, आई लव यू। अब एक गटर के पैदाइश, मतलब तू मुझे ये बता कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, क्या लड़की देखी सीधा प्यार हो गया, सीधा तुमने डिसाइड कर लिया तुम उसे शादी करनी है? नहीं, दिस इज नॉट द वे टू लव अ गर्ल। क्या सही तरीका है भाई? जानो,
तुम ये बोल रहे हो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना गई, भाई तुम उसको दिखाते हो कि तुम बेवकूफ हो तो वो तुम्हारा बेवकूफ बनाते हो, बनाने की जरूरत है बेवकूफ को, क्या बेवकूफ बनाना है, सीधा फ्रेंडशिप कर लो, सीधा प्रपोज कर दिया, शादी कर लो, मैं मर जाऊंगा, मैं नस काट लूंगा, मैं फलाना ढिमकाना कर लूंगा, मर जाओ ना इससे अच्छा जानो, करियर में पहले सेटल हो। तुम लोगों ने सोचा है कि सर प्यार मोहब्बत की बात करेगी, नहीं भाई, रिलेशनशिप विद सेवरल थिंग्स, यू हैव रिलेशनशिप विद योर सेल्फ फर्स्ट, पहले तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे खुद के साथ है, देन यू हैव रिलेशनशिप योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल स्पिरिचुअल हेल्थ, देन सोसाइटी, योर फैमिली, देन यू हैव रिलेशनशिप विद योर वर्क, यू हैव रिलेशनशिप विद योर एजुकेशन, यू हैव रिलेशनशिप विद योर बॉस, विद योर क्लाइंट, विद योर कंट्री, विद योर एनवायरमेंट, तो दिस इज द रिलेशनशिप। और बाद में जिस तुम रिलेशनशिप में आते हो वो बहुत दूर की बात है, जिस रिलेशनशिप में तुम इन सबको छोड़ के से पहले आ जाते हो, तुमको पहले वही रिलेशनशिप चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हें कुछ करना है, ना पढ़ना है, ना अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ना खुद को प्रूव करना है, पर सेल्फ स्टीम का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है, तुम्हारे खुद के माँ बाप, आई टेल यू, अगर तुम ऐसे ही नाकारों वाली हरकत करोगे, बिना कुछ करे प्यार मोहब्बत करोगे 27, 28, 23, 33 साल की उम्र में भी, तो भाई तुम्हारे खुद के माँ बाप तुम्हें कल को गालियाँ देंगे कि सांड की तरह बैट में पड़ा रहता है और खाता रहता है। कल को तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी अगर तुम ऐसे शादी कर लोगे बिना कुछ करे। बहुत सारे लड़के हैं जिनके माँ बाप ये सोचते हैं अभी शादी हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी के बाद कुछ कर लेगा, सबसे उल्लूपंती वही माँ बाप करते हैं यार। एंड अपने बच्चे पता है कि अपना बच्चा कितना पानी में है, दूसरे के बच्चे की भी जिंदगी तबाह, उसके बाद दूसरे के बच्चों पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अबे भाई तू पहले कुछ नहीं कर पाया, तेरी मतलब लाइक माँ बाप ने 27-28 साल में अपने कर्मों से उसको कुछ नहीं करने दिया, उसको बिठाया, उसको वहीं परोसा, नहीं करा तो चलो शादी कर दो, दहेज बताओ ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट करेगी, तुम्हारी क्या डिग्निटी रहेगी, तुम बैठे हुए लेक्चर दोगे, अपनी बीवी से लड़ोगे झड़ोगे, वो कहेगी कुछ करते नहीं हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना उसमें रहेगी, ना समाज में रहेगी, ना सोसाइटी में, और बच्चे भी नहीं करेंगे है। और कम उम्र में यार तुम लोग इतना ज्यादा लाइक पॉर्न देख के इतना मैस्टरबेट करते हो, तो भाई बच्चे करने की उम्र में तो तुम्हारे बच्चे होते ही नहीं है, ठीक है, इसके इतने साइड इफेक्ट है, मैं किसी वीडियो में बताऊंगी, ये जो तुम जो लाइन लगा के जो तुम पॉर्न देखते रहते हो और फिर तुम जो प्यार मोहब्बत के नाम पर हर लड़की को मैसेजेस करते रहते हो, उसके दुनिया भर के साइड इफेक्ट है, आई एम गोइंग टू मेक स्पेशल वीडियो फॉर दैट, राइट। तो यार प्यार करना बुरा नहीं है, इट इज सच अ लवली फीलिंग, इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, एंड इट इज द प्योरिटी, राइट। बट हाँ, उसके लिए देयर इज अ एज, देयर इज अ टाइम, देयर इज अ प्रोसेस टू डू एनीथिंग। किसी लड़की से मिलो, जानो पहचानो, फ्रेंडशिप करो एक दो साल, बी अ गुड फ्रेंड्स। पहले दिन भाई कौन तुमको, दुकान के बाहर हर कोई अपना अच्छा माल लटका के रखता है, दुकान के अंदर जाते हो तो पता चलता है बाकी डब्बों में क्या है, तो पहले तुम्हें क्या दिख जाता है, तुम सीधा कैसे किसी से शादी करने का सोच सकते हो। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं यार, सबसे हो जाती हैं, पर एवरी न्यू डे एक नया है, कुछ तुम चाहो तो नया कर सकते हो, हर नए दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर क्षण, जिस दिन तुम ये प्रण ले लो कि हाँ जो हो गया वो हो गया, आज से हम एक नई जिंदगी जिएंगे, कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। पर यार बैठे बैठे मुंगेरे लाल के जो सपने थे, मैं ये बड़ा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, एंटरप्रेन्योर सीईओ, आजकल हर लड़का सीईओ और एंटरप्रेन्योर, हर कोई बड़ी मोटिवेशन स्पीकर और पता नहीं क्या क्या अपने आपको इंस्टाग्राम पर मैं देखती हूँ लिख के रखता है, भाषण दे रहे हैं, सक्सेस इज दिस, फेलियर इज दिस, अबे तुमने क्या कद्दू अचीव किया जिंदगी में, नहीं है। तो भाई ये फैसिनेटिंग जो दुनिया जो तुमको लग रही है ऊपर से ग्लैमर, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है। बॉलीवुड जो तुम देख रहे हो, जो हीरोइन है उन लड़कों से प्यार करके उनसे शादी कर रही है, वो एक्चुअल लाइफ में क्या कर रही है, लड़का कितना भी अच्छा से अच्छा हो दिखने में, क्या कोई हीरोइन एक नाकारा इंसान से शादी करेगी जिन बॉलीवुड मूवी से तुम लोग इंस्पायर होते हो। आनंद आहूजा देखने में क्या है, देखने में इज नॉट गुड, बट सोनम कपूर आहूजा ने उससे शादी की है, सोचो, ही डोंट लुक गुड बिकॉज ही इज अर्निंग हैंडसम, ही हैज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, उसकी अपनी डिग्निटी है, अपना क्लास उसने वो क्रिएट किया है, इसलिए भाई वो हीरोइन अनिल कपूर की बेटी उसके पास शादी करने आ गई, भले वो उससे हाइट में भी छोटा है, दिखने में भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अच्छा और बुरा दिखने की नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाओ, शादी करने के लिए आराम से कर सकती हूँ यार, 35 साल में आराम से, 30 साल में आराम से, 27-28 साल में आराम से, पर इतने साल एटलीस्ट जिंदगी के 10 साल तुम्हें अपने करियर को देने चाहिए यार, 10 नहीं तो 5 तो दो, कुछ तो करो। टीन एज में प्यार मोहब्बत करे बैठे हैं, स्कूल के बच्चों को मोहब्बत हुई बैठी है, तो यार ये मोहब्बत का जो भूत है ना, अपनी औकात देख के करो, पहले अपनी औकात बनाओ, अपना रिकग्नाइजेशन बनाओ, अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाओ, और इस लायक बनो कि सामने वाले की तुम इमोशंस जान सको। तुम्हारे इमोशंस ये है कि आज उससे लड़ाई होगी तो तुम रोना धोना, गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, ये सब कुछ करना। अब एक कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो यू शुड नो कि मुझे इसको कामली बैठ के कैसे डील करना है,
बट नो यू आर नॉट एबल टू डू बिकॉज तुम्हें अंदर वो मेच्योरिटी आई नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आज से यार ये सोचो, जो लोग भी नाकाम है, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कि यार जब तक ज़िंदगी में मैं कुछ कर ना लूँ तब तक ये बॉलीवुड मूवीज़, ये पॉर्न, ये मैस्टर्बेशन, ये लड़कीबाजी, सोशल मीडिया पर मैसेजेस, मैं किसी को नहीं करूँगा। डू समथिंग। मैंने दुनिया भर के वीडियोस बनाए हैं, आप लोग क्या कर सकते हो अपने डेली इंप्रूवमेंट के लिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो, कुछ तो करो एटलीस्ट। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, डू एनीथिंग, कुछ भी काम मिले डू दैट। एंड आई होप आप लोग मेरी बातों को पॉजिटिवली लोगे। किसी को हर्ट हुआ हो तो भाई एक्चुअली में हर्ट होना चाहिए। अभी वीडियो में मैंने बोला था कि मनी डज मैटर, तो लड़कों ने कहा कि नहीं तुम लड़कियां क्या करती हो, तुम्हें भी करना चाहिए। भाई लड़कियों को भी करना चाहिए, लड़कों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कों की बात करूँ, और यही बात है कि तुम्हें कोई लड़का बैठ के बोलता ना तो तुम बोलते हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो। पर मेरी वीडियो के नीचे तुम लोग जो कमेंट करके अगर गंद मचा रहे हो तो भाई वो तुम पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव ले रहे हो। होप ये चीज़ तुम्हारे अंदर मोटिवेशन लेके आए, कोई नई जिंदगी में कुछ नया कर दिखाने की जील लेके आए। तो प्लीज़ इस प्यार मोहब्बत के भूत से बाहर निकलो जब तक तुम अपनी कोई औकात नहीं बना लेते हो। जिस दिन औकात बना लोगे उस दिन लड़की तुम्हारे लिए खुद स्टैंड देगी, एंड आई गारंटी दैट। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। Bye.